वेलकम टू नॉलेज मिनिया। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी फोल्डर पे हम राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेंड टू का ऑप्शन, ओके। बट उसकी रिप्लेस में मुझे ऐसा करना है कि वहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो मुझे कॉपी टू या मूव टू का ऑप्शन आया है, तो मैं पर्टिकुलरली लोकेशन पे मैं उसको कॉपी कर सकती हूँ या पेस्ट कर सकती हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो अपडेट डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे राइट क्लिक करके सेंड टू का ऑप्शन आता है। मुझे ऐसा करना है, यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाना चाहिए लाइक अ कॉपी टू, मतलब मैं पर्टिकुलरली लोकेशन पे पेस्ट कर सकूँ उसको, ओके। तो वही करने के लिए आपको मैंने एक फाइल बना के रखी है, एक नोटपैड की फाइल, वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप फॉर टू ऐड अ कॉपी टू एंड मूव टू ऑप्शन टू योर कंप्यूटर। तो आपको स्टार्ट में जाके रन में जाना पड़ेगा एंड देन टाइप रजिस्टर एडिट में आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, REG एडिट टाइप करना पड़ेगा। तो विंडोज़ 8 दबा रहा हूँ, REG एडिट के अंदर लिख रहा हूँ और एंटर करो, और परमिशन के लिए आपको पूछेगा तो जस्ट आपको सिंपल ओके करना है, यस, ओके। यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसा ऑप्शन आपको मतलब बताएगा करंट यूज़र बहुत कुछ है, मतलब रजिस्टर एडिट में बहुत कुछ कर सकते हो, ओके। तो ओके, यहाँ पे अभी मैं स्टेप में जा रहा हूँ, तो देखो क्लिक द ओके एंड देन फॉलो रजिस्टर, मतलब आपको क्या पे जाना है, HP में क्लासेस रूट और फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट शेल लैक्स कंटेस्ट मेन्यू हैंडलर्स में जाना है, तो इसके अंदर जाना है और वहाँ पे बीच में ही ऑप्शन होगा ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल आप देख सकते हो ऑल फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट आया, वहाँ पे सेलेक्स में जाना है और सेलेक्स में जाके कंटेंट मेन्यू है। अब देखो मैं जाके बता रहा हूँ आपको ये बात, ये जो भी है वो आप मैंने जो भी है वो रखा हुआ है मैंने ब्लॉग स्पॉट में, नॉलेज मिनियन 53 blogspot.in के अंदर रखा हुआ है। तो जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड नहीं कर सकता वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं जो सिस्टम को करप कर सकता है बहुत कुछ मतलब मैंने रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे एक बार आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो भी टूल्स भी रखे हुए, प्रॉक्सी की वेबसाइट्स कैसी है, प्रॉक्सी सर्वर्स रखे हुए मैंने, प्रॉक्सी साइट्स कौन सी अभी करंट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें है। तो मैं प्रैक्टिकल पे मैं आ जाता हूँ। अभी क्या करना है, राइट क्लिक ऑन कंटेंट मेन्यू हेडर फॉर एंड न्यू की में न्यू एंड की और जी विथ नेम में आपको क्या देना है, कॉपी टू, और ये जानने के बाद ये आपको देना है, ओके। तो मैं फिर से रजिस्टर एडिट में जा रहा हूँ, कंटेंट्स मेन्यू फोल्डर जो है ना वहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो सेंड टू आपका आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके हेल्प से हुआ है। तो आपको राइट क्लिक करके न्यू और वहाँ पे की का ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी टू, ओके। कॉपी टू किया, यहाँ पे देखो वैल्यू सेट नहीं है तो वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी और मॉडिफाई पे आपको जाना पड़ेगा। तो वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, मैंने नोटपैड पे फाइल बना के रखी है, तो ये पूरा कॉपी कर लो, ये जो है कॉपी कर लो और फिर से रजिस्टर एडिट में जाओ, वहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है और ओके कर लो। तो ये वैल्यू सेट हो गया। तो अभी मैं मिनिमाइज करने के बाद जस्ट आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मत खोलना, ओके, मत खोलना करके एक जस्ट बैंक के लिए मैंने बना दिया है, ओके। और यहाँ पे उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर खोला, ओके, सिंपल के चलो। ये हो जाने के बाद मैं अभी राइट क्लिक करके देखो ऑप्शंस एक आ गए, यस गुड, कॉपी टू फोल्डर, देखो सेंड टू का ऑप्शन आ रहा था उसके पहले अभी कॉपी टू फोल्डर। अभी वो पूछेगा कि लोकेशन आपको कहाँ पे रखनी है, तो मैं कहीं पे भी मैं जैसे कि विंडो 10 का मेरा पेन ड्राइव है वहाँ पे रख देता हूँ और उसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। आपको जाके देखना है तो विंडो 10 के अंदर अब जाओ, वहाँ पे ये देखो मत खोलना करके आया फोल्डर, वहाँ पे आया क्यू खोला, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये कॉपी टू का ऑप्शन आ चुका है, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टू का ऑप्शन में अभी करूँगा, ओके। तो आपको अभी मतलब रिवाइज भी हो जाएगा कि कैसे करना है, तो वही स्टेप फॉलो करना है आपको, देखो वही स्टेप फॉलो करना है सेम टू सेम। वहाँ पे आपको फिर से रजिस्टर एडिट में जाना है, कंटेंट्स मेन्यू फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, न्यू में की पे करना है, मूव
डज नॉट मैटर अब कैश सेंसिटिव नहीं है आपका कुछ भी है तो लीव द वैल्यू नॉट सेट। तो फिर से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आप देखना कॉपी टू का और मूव टू का की अलग अलग है ओके। तो थोड़ा ही चेंजिंग से उसकी स्क्रिप्ट आती है पूरी बहुत लॉजिक होते हैं। देखो आप देख सकते हो ये पूरी सेम ही होगी 3-0 का मतलब कॉपी 3-1 का मतलब मूव टू का ऑप्शन। इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है आपको मैं अभी बोल नहीं करूँगा ज़्यादातर। तो रजिस्टर एडिट में जाऊँगा और वहाँ पे पेस्ट करूँगा और ओके ओके ये मैंने सेट कर लिया मूव टू का भी ऑप्शन मैंने रख दिया है। तो उसको मैं अभी पेस्ट करूँगा कहाँ पे वही पेन ड्राइव के अंदर करूँगा बट पेन ड्राइव के अंदर ऑलरेडी लोकेटेड है मत खोलना करके तो उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ओके। तो पेन ड्राइव के अंदर वो फोल्डर नहीं है अभी मैं फिर से जा रहा हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो मूव टू का ऑप्शन आ गया है मूव टू फोल्डर कहाँ पे रखना है और यहाँ पे पेन ड्राइव में रखना है देखो मूव हो गया ओके। आप देख सकते हो अभी मैं फिर से पेन ड्राइव में जा रहा हूँ वहाँ पे ऑप्शन यस दिस इज योर अपने यहाँ पे देख सकते हो कि खोला ओके। तो ये आपको मतलब पसंद आया हो तो प्लीज़ ना प्लीज़ लाइक करो और बहुत सारे मैटर्स है रजिस्टर एडिट का तो वो मैं अपलोड करूँगा करता ही रहूँगा। काली लिनक्स का भी है तो एक एक दिन मैं अपलोड करता ही रहूँगा। और जैसे इसको आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ना प्लीज़ इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।